आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, ये अभी न्यूज क्रैक हुई है। और अब यहां पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी SEC ने इस वैक्सीन को, यहां पे दो वैक्सीन अप्रूव हुई है, तो इन वैक्सीन को देखा और अप्रूव कर दिया। ताली बजाइए भाई, क्योंकि फार्मा में हमने बाजी मार ली है और ये हैट्रिक हमने लगाई है, क्योंकि ये लगातार तीसरी वैक्सीन है हमारी जो अब भारत में हम यूज करेंगे। यह वैक्सीन 28 दिन के इंटरवल पे देनी है। और अगेन 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे मॉडर्ना फाइजर तो बहुत ही महंगी 10-10 हजार की वैक्सीन है, लेकिन ये बहुत ही सस्ती वैक्सीन है, क्योंकि भाई हम एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो हम बात करेंगे आज दोस्तों इस खबर की। यहां पे दो वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग मोल्नुपिराविर, जिसका आपने नाम सुना है, 13 कंपनीज उसे बनाती हैं, उसको भी अगर किसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वो मोल्नुपिराविर यूज कर सकता है। आपको मेडिकल शॉप पे भी ये मिल जाएंगी, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन होगा, अगर मोल्नुपिराविर लिखा है तभी डॉक्टर वो देगा। फिलहाल अगर हम दोनों वैक्सीन की बात करते हैं तो एक कॉर्बेवैक्स वैक्सीन, ये भारत से ही बनाई, भारत की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो कि बायोलॉजिकल ई ने बनाया है। देन कोवोवैक्स, ये सेरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविशील्ड बनाई थी। सेरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के उसके साथ मिलकर बनाई थी। और यहां पे भी ये नोवोवैक्स, अमेरिका की नोवोवैक्स के साथ मिलकर इन्होंने कोवोवैक्स बनाई है। तो इन दोनों वैक्सीन को आप समझिए कि यहां पे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो मिल गया। देखिए इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए, आपको पता ही है ना कि इसमें सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो इसमें भाई जानवरों पे सबसे पहले प्रयोग किया जाता है कि वैक्सीन ठीक ठाक है कि नहीं। फिर फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज में बहुत ही कम ग्रुप पे, बहुत ही छोटे पेस को देखा जाता है। सेकेंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इम्यूनोजेनेसिटी, भाई कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। और थर्ड फेज में बहुत बड़े ग्रुप पे इसको ट्रायल किया जाता है और उसके बाद वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है, फिर वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल, ठीक है, DCGI जो है वो वैक्सीन को अप्रूव करता है। उससे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, एक कमिटी होती है, इसमें सारे के सारे बड़े डॉक्टर्स, भारत के टॉप डॉक्टर्स बैठते हैं, वो वैक्सीन को देखते हैं कि ठीक है ना, कोई दवाई को अप्रूव करने से पहले, वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले ये देखते हैं। तो यहां पे इन तीनों को, कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स और आपकी मोल्नुपिराविर, इन तीनों को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, अभी भारत में टोटल 6 वैक्सीन है, अब इन दोनों को मिला दें तो टोटल 8 वैक्सीन हो गई हैं, ठीक है, टोटल 8 वैक्सीन हो गई हैं। कौन कौन सी मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, अगर मैं देखिए राइटिंग तो मेरी बहुत गंदी है ही, तो सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सबसे पहले तो हमारी कोविशील्ड, दूसरी है हमारी आपकी कोवैक्सिन, तीसरी है हमारी रशिया के स्पुतनिक, चौथी फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन ये अमेरिका की वैक्सीन है, ये रशिया की वैक्सीन है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड ये भारत ने बनाई है, ठीक है, और छठी है हमारी जाइडस कैडिला की, ठीक है, ZyCoV करके, और अब सातवीं है ये और आठवीं है ये। तो भारत में टोटल 8 वैक्सीन्स आ गई हैं, 8 वैक्सीन्स, और ये मोल्नुपिराविर ड्रग जो है ये भी अब दिया जाएगा जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। ओके, आपको पता ही है कि लगभग 650 के करीब ओमिक्रॉन के केसेस हमारे यहां आ गए हैं। अब अभी बड़ी भयानक रिपोर्ट सामने आ रही है, रिपोर्ट ये है कि ये जो वैक्सीन आपको दिख रही है ना, ये वैक्सीन इनकी एफिकेसी, इनकी एंटीबॉडीज जो है ये 4 से 5 महीने बाद खत्म होने लगती है। यानी कि हमने तो अभी वैक्सीन लगवा ली, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है दोस्तों, हमने भले ही वैक्सीन लगवा ली है लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, ये पहली खेप है ना, तो पहली खेप में भाई जो मिल रहा है वही सही। तो अभी तो हमने ये सारी वैक्सीन लगवा ली, लेकिन अब हमको एक बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगने लगेगा। सरकार ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया ताकि एंटीबॉडीज का लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज, मतलब
उनको फुल वैक्सीनेशन, वो अप्रैल तक हुए थे फुल वैक्सीनेट, तो अब उनकी अगर 6 महीने की बात करें तो भाई एंटीबॉडीज उनकी अब डिक्लाइन पे है ना, मतलब इसी साल अप्रैल में तो एंटीबॉडीज अब उनकी कम होने लगेंगी। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले उनको बूस्टर डोज देना शुरू कर दें, फिर जनरल पब्लिक को भी लगेगा, यह भी आप मान के चलिए। तो जितनी ज्यादा हमारे पास वैक्सीन होंगी उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। भारत में अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, एक डोज तो लगी गया है। अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवा रहे हैं बट इट्स नॉट सेफ। तो फिलहाल जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने बोला कांग्रेचुलेशंस इंडिया स्ट्रेंथनिंग फाइट अगेंस्ट कोविड-19 CDSCO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स Health Ministry has given 3 approvals. तो इसमें एक Corbevax वैक्सीन है, एक Covovax वैक्सीन है और एक एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर है for restricted use in emergency situation. तो अब यहां पे देखिए Corbevax की बात करें तो इन्होंने अक्टूबर के करीब अपना डेटा जो है वो सबमिट किया था, Covovax ने भी इसी टाइम पे अपना डेटा सबमिट किया था, फिर सब कुछ इनको सही लगा, उसके बाद इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन जो है इन वैक्सीन को अब मिला है। ठीक है, तो ये चीज है। तो भारत ने 2 more कोविड वैक्सीन और 1 pill को यहां पे हमें देखते हैं कि ये दे दिया है। तो अब अनाउंसमेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने किया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी कोविड-19 ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ही बोला कि इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन जो है वो कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि मोलनुपिराविर उन्हीं को दिया जाएगा जिनको खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये ट्वीट किया इन्होंने। आगे देखते हैं, आगे भी एक स्लाइड है एक्चुअली। तो मोलनुपिराविर जो है वो एंटीवायरल ड्रग है और ये 13 companies जो है वो बनाती हैं। इमरजेंसी सिचुएशन अगर आएगी तो हम इस ड्रग को यूज करते हैं। अभी भारत में केसेस बहुत कम आ रहे हैं, तो 6,358 जो है वो भारत में इतने केसेस आए हैं, जहां अगर आप देखो 1 lakh के केसेस तो आए हैं कब तकरीबन वहां पे डेली 1 lakh के करीब केसेस आ रहे हैं यूरोप में बैंड बजी हुई है, यूरोप में सारे जो प्रोग्राम्स है ना न्यू ईयर के वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, ओमिक्रॉन ने वहां पे तबाही मचाई हुई है। ठीक है, लेकिन वही डर है ना कि भारत में चीजें लेट फैलती हैं, तो ऐसा ना हो। फिलहाल एक्टिव केसेस बहुत ही कम, 75,000 से डिक्लाइन हो गए हैं और डेथ टोल आप देख ही सकते हैं। ठीक है, 293 फ्रेश फेटलिटीज जो है देयर हैज बीन रिपोर्टेड, लेकिन ये देखो ये खतरनाक है, ओमिक्रॉन केसेस 21 राज्यों में मिलने लगे हैं भाई, यही तो दिक्कत है ना। 653 केसेस मिल गए हैं और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और मैं फिर से याद रखिएगा कि भारत में लेट आता है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें हिडन केसेस भी होंगे, तो भाई इसीलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, मास्क लगा के घूमिए, वैसे भी नाइट लॉकडाउन। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप एक लेक्चर चाहते हो कि नाइट लॉकडाउन लगाया क्यों जाता है। बहुत बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर नाइट लॉकडाउन का मतलब क्या, उससे क्या होगा भाई, रात को कौन बाहर निकल रहा है। तो अगर आप इस पर लेक्चर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक और चीज बता दूं कि हमारी जो सेल है, इसको मैं खत्म कर देता हूं अब, हमारी जो सेल है वो 1 जनवरी को खत्म हो जाएगी और 1 जनवरी को प्राइस हाइक होगा। याद रखिएगा कि 1 जनवरी को प्राइस हाइक होगा, तो अभी आपको कूपन कोड न्यू ईयर 2022 यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा, एक्स्ट्रा 25% ऑफ। मैं फिर से बता रहा हूं, 1 जनवरी को हमारा प्राइस हाइक होने वाला है, तो देर किस बात की भाई। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो, iOS पे भी है, Android पे भी है, स्टडी ग्लोज ऐप को आपको डाउनलोड करना है, लर्निंग को नहीं, न्यू यूजर स्टडी ग्लोज को ही डाउनलोड करें, जो जिन्होंने लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रखा होगा, कोर्स परचेस किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज आपको करनी है। बाकी मैं कुछ भूल तो नहीं रहा? नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।